नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे लोक देवता का। कल किसी कारणवश क्लास ना हो पाई, जो आज कंटिन्यूस क्लास अपन की स्टार्ट है और आगे भी लगातार चलती रहेगी डेली, तो इसलिए आपको 6 बजे लाइव आना है। और लाइव के साथ साथ ही अधिक से अधिक आपको कमेंट करने हैं, इस वीडियो को शेयर करना है और जो चैनल है उसमें नई अपडेट के लिए उसको सब्सक्राइब करना है। तो मित्रों, दूसरा आपको मैंने बताया था कल कि जो अपनी एग्जाम्स है वो एग्जाम्स जल्दी ही होने वाली है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये प्रारंभ किया गया है गुरुकुल क्लासेज के सानिध्य में आपके हित के लिए। तो इसलिए आपको चाहे रीजनिंग की है, चाहे मैथ की है, चाहे जीके की है, आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। शाम को 6 बजे मेरी होगी क्लास, कला एवं संस्कृति की क्लास, जिसमें आपको कला संस्कृति के सभी टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ने वाले हैं लोक देवता। तो एक बार जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग हरिकेश जी, जल्दी से शेयर कर दो और आप लोगों के कमेंट आ जाए कि भाई स्टार्ट किया जाए, तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। जितना आप शेयर करोगे और बच्चों के हित में होगा, क्योंकि आपको पता है जो मैटर हम यहाँ पर देते हैं आपको, लगभग अधिक से अधिक बच्चों के पास ये पहुंचे बहुत बेटर रहेगा। चलो मित्रों स्टार्ट करते हैं, जल्दी से शेयर कर दो। आज अपन पढ़ने वाले हैं लोक देवता। लोक देवता, लोक देवता जिसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान के। राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से हैं, मुख्य लोक देवता, और मुख्य लोक देवता के साथ ही आपको मैं आज बताने वाला हूं कि कौन सा लोक देवता किस लिए प्रसिद्ध हुआ था, कौन से ऐसे चमत्कार थे जिनके कारण वो लोक देवता की श्रेणी में आए, तो वो आज मैं वन बाई वन आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लोक देवता में जब बात आती है तो एक आती है देवता और दूसरी आती है पीर। सर, पीर और देवता क्या होता है? ये होता है कि देवता मतलब देवों के समान, यानी एक तरीके से अपन मानते हैं तो भगवान का दूसरा रूप होता है देवता। ठीक है, देवता जो मानते हैं वो हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग जिन्हें मानते हैं, पूजते हैं, उन्हें अपन देवता के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर बात करें अपन पीर की, तो पीर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो ये पीर है, ये पीर किस लिए इनको कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि पीर जो होता है उनको हिंदू धर्म के साथ साथ, मुसलमान धर्म के लोग भी पूजते हैं। ध्यान रखना, हिंदू और मुसलमान जिस देवता को पूजते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। राजस्थान में ऐसे 5 पीर हुए हैं जिन्हें अपन कहते हैं पंचपीर। क्या कहते हैं? पंच पीर। गुरुजी कौन कौन सा होया है? तो देखो, पहला जो है मैंने बताया था रामदेव जी, ठीक है गुरुजी। दूसरा जो हुआ है हड़बू जी, तीसरा पाबू जी, चौथा गोगा जी, और 5वें जो हुए हैं वो है मेहा जी। अब देखिए, रामदेव जी को हमेशा ध्यान रखना, ये जो रामदेव जी है ये तवर जाति के हैं, तवर जाति के राजपूत, ध्यान रखना, तवर जाति के राजपूत। और तवर जाति के राजपूत होने के साथ साथ इनके जो गुरु थे वो गुरु थे योगी बालीनाथ। के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हड़बू जी जो हैं वो सांकला जाति के राजपूत थे, सांकला जाति, यानी सांकला जाति के क्या थे? राजपूत। ध्यान रखना है कि जो हड़बू जी है वो किस जाति के राजपूत थे? सांकला जाति के राजपूत। इसके बाद बात करें अपन पाबू जी की, तो पाबू जी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो पाबू जी थे, ये पाबू जी केसर कालमी जो घोड़ी थी उस केसर कालमी घोड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
केसर कालमी घोड़ी के लिए जो प्रसिद्ध है बाबू जी, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये राठौड़ जाति के राजपूत हैं, राठौड़ जाति के राजपूत, ठीक है। इनकी कहानी है, वो कहानी मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। इसके बाद देखिए गोगा जी, ये गोगा जी जो है चौहान राजपूत है, कैसे राजपूत है, चौहान राजपूत, ठीक है साहब। और मेहा जी ये मांगलिया जाति के राजपूत है, कैसे हैं, मांगलिया जाति के राजपूत, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पंचपीर में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पांच पीर पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से, एक तो है रामदेव जी, दूसरे है हड़बू जी, तीसरे है पाबू जी, चौथे है गोगा जी और पांचवे है मेहा जी। तो ध्यान रखना है मेहा जी, मांगलिया, गोगा जी, चौहान, पाबू जी, राठौड़, हड़बू जी, सांकला और रामदेव जी जो तवर कहलाते हैं। तो अब इन पांच पीरों के बारे में अपन वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे रामदेव जी, रामदेव जी, रामदेव जी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, डिटेल से उसको पढ़ेंगे जिससे कि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन अपन से न रह जाए जो रामदेव जी से संबंधित है। तो सबसे पहले अपन रामदेव जी के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये तवर जाति के राजपूत, तवर जाति के राजपूत थे, ठीक है साहब, तवर जाति के राजपूत थे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म है ये जन्म हुआ था कब, भाद्रपद, यानी हिंदुओं का जो प्रसिद्ध या पवित्र जो महीना है भाद्रपद, भाद्रपद का महीना और शुक्ल पक्ष एवं दूसरा दिन, मतलब मैं कह सकता हूं द्वितीया, ठीक है। तवर जाति के राजपूत थे, जन्म इनका कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की अगर बात करें तो आपको पता है कि भादो का जो महीना है, भादो की रात काली छाई रे अंधेरिया, आपको पता है कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो भाद्रपद का जो महीना पवित्र महीना है हिंदुओं के लिए, शुक्ल पक्ष है और द्वितीया दिन यानी दूसरा दिन है। अब सर आपको ये तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन काफी बार आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पर सन मिलेगा, तो सन का आपको ध्यान रखना है 1352 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। गुरुजी 1352 नहीं आता है, 1352 की जगह अगर विक्रम संवत आ गया तो मैं क्या करूंगा, तब आपको ध्यान रखना है 1409 विक्रम संवत में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 1352 में हुआ था, अगर विक्रम संवत में पूछे तो 1409 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। अब बात आती है सर जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना जन्म स्थान जो है वो है उड़ू काश्मीर, उड़ू काश्मीर गांव, इनका जो गांव है वो गांव कौन सा है, उड़ू काश्मीर गांव है, ठीक है। इसके बाद इनका जो तहसील है, उड़ू काश्मीर गांव किस तहसील में पड़ता है, तो उड़ू काश्मीर गांव पड़ता है सिब तहसील, सिब तहसील, ठीक है। अच्छा गुरुजी सिब तहसील कहां पर पड़ती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है बाड़मेर में पड़ती है, कहां पर, बाड़मेर में। तो ध्यान रखना है बाड़मेर में सिब तहसील है और सिब तहसील में एक गांव है और गांव कौन सा है, उड़ू काश्मीर, उस उड़ू काश्मीर गांव में किसका जन्म हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था। यानी कह सकते हैं रामदेव जी की जो जन्म स्थान है या जन्मभूमि है वो जन्मभूमि कौन सी है, वो है उड़ू काश्मीर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां तक ध्यान रखनी है। एक चीज और मैं बताने वाला हूं यहां पर, कल भी मैंने बताया था AK-47, ये चीज आपको याद रखनी है, क्यों रखनी है, याद करने का तरीका काफी बार पूछ लेता है, 47 मतलब इसको छोड़ दो, आपको याद रखना है AK, AK का मतलब A4 तो होता है अर्जुन, ठीक है, K4 यहां पर होता है कृष्ण, कृष्ण,
और कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु के अवतार थे। ठीक है, तो अर्जुन के तो ये क्या थे? वंशज माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? वंशज माने जाते हैं। ठीक है, और विष्णु भगवान के ये क्या माने जाते हैं? अवतारी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अवतारी। तो ध्यान रखना है, विष्णु भगवान के या कृष्ण भगवान के ये अवतारी माने जाते हैं, और अर्जुन के ये क्या माने जाते हैं? वंशज माने जाते हैं। ठीक है, चेतन जायसवाल राम राम बेटा, शेयर कर दो जल्दी से, और भी बच्चे जुड़ जाएं। देखो, तो ध्यान रखना है आपको, रामदेव जी के बारे में जो सामान्य जानकारी आपको यहां पर मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी कि जो तवर जाति के राजपूत थे रामदेव जी, दूसरा जन्म इनका कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, 1352 ईस्वी थी, और 1409 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। यानी विक्रम संवत की अगर पूछ ले तो विक्रम संवत कौन सा था? 1409। इसके बाद ध्यान रखना है, जन्म स्थान इनका कौन सा है? उड़ू काश्मीर गांव था। इसको बहुत सी पुस्तकों में क्या मिलेगा आपको? उड़ू काश्मीर मिलेगा, काश्मीर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उड़ू काश्मीर और उड़ू काश्मीर अगर मिल जाए तो दोनों ही सही है। ठीक है, और शिव तहसील, ये शिव तहसील कहां पर पड़ती है? बाड़मेर में। ठीक है, इधर आपको ध्यान रखना है, एक के मतलब अर्जुन के तो ये वंशज माने जाते हैं, और कृष्ण के ये क्या माने जाते हैं? अवतारी माने जाते हैं। अवतार का मतलब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है इस युग के अंतर्गत। ठीक है, और अगर अपन वंशज मानते हैं तो वंशज का मतलब जैसे कि मेरे दादा परदादा, उनके भी दादा, तो उनके बाद जो पीढ़ी चलती आ रही है उसको कहते हैं वंशज। तो ये किसके वंशज माने जाते हैं? अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी मित्र, और जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है इनकी माता कौन थी। तो माता का नाम यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है इनकी माता का नाम था मैणादे। कौन सी दे? मैणादे। ठीक है, मैणादे इनकी माता का नाम था। इसके बाद बात करें अपन पिताजी की, तो पिताजी कौन थे इनके? मैंने बताया था कि अजामल तवर नाम मिलेगा। साथ में आपको ध्यान रखना है, कहीं किसी ना किसी पुस्तक में आपको अजमल तवर भी मिल जाएगा, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अजामल तवर या अजमल तवर आपको किसी ना किसी पुस्तक में मिल जाएगा, दो नाम मिलेंगे, दोनों ही बिल्कुल राइट हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग पुस्तक में अलग अलग नाम आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें सर इनकी गुरु का नाम क्या था। अब देखो, मैंने बताया था आपको, जब मैं आपको पांचों के बारे में बता रहा था फर्स्ट टाइम, तब मैंने बताया था कि इनके जो गुरु थे वो गुरु कौन थे? बाली योगीनाथ। ठीक है, अब देखो, बाली योगीनाथ जो है, ये बाली योगीनाथ किनके गुरु थे? रामदेव जी के। और रामदेव जी के गुरु, जो गुरु थे, इनकी जो समाधि है वो समाधि कहां पर स्थित है? मंसूरिया की पहाड़ियां, मंसूरिया की पहाड़ियां। और मंसूरिया की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर है? ये है जोधपुर में। कहां पर है मित्रों? जोधपुर में। तो ध्यान रखना है, मंसूरिया की जो पहाड़ियां हैं, ये मंसूरिया की पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है बात किसकी? इनकी पत्नी की। ठीक है साहब, रामदेव जी हुए हैं तो ब्याह भी किया होगा, और ब्याह किया होगा तो उनकी पत्नी का नाम भी होगा कुछ ना कुछ, और पत्नी का नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पत्नी का नाम जो है, वो पत्नी का नाम क्या है आपको ध्यान रखना है? नेतल दे। नेतल दे, यानी इनकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। नेतल दे कौन थी आपको ध्यान रखना है? नेतल दे का, नेतल दे जो थी वो अमरकोट, अमरकोट जो कि वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। तो ये अमरकोट जो पाकिस्तान में, यहां के एक राजा थे, और राजा का नाम क्या था? दलेल सिंह। क्या था? दलेल सिंह। और दलेल सिंह की पुत्री कौन थी? नेतल दे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि दलेल सिंह की जो पुत्री थी वो पुत्री कौन थी? नेतल दे। और नेतल दे की अपन बात करें तो ये नेतल दे किसकी पत्नी थी? ये पत्नी थी राम जी, रामदेव जी। यानी रामदेव जी ने विवाह जो किया था, ब्याह किया था, वो ब्याह किसके साथ किया था? वो किया था दलेल सिंह की पुत्री थी,
और उसका नाम क्या था, नेतलदे। तो इस प्रकार से इनकी सामान्य जानकारी जो है वो आपको इस प्रकार मिलेगी, जो कि काफी बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। पूछ कैसे लेंगे कि निम्न में से रामदेव जी की माता का नाम क्या है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि रामदेव जी की पत्नी नेतलदे निम्न में से कहां के राजा की पुत्री थी। तो उस टाइम आपको जो आंसर देना है वो आंसर आपको सही कौन सा देना होगा, दलेल सिंह। तो इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी थी, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिलखुश सैनी, राम राम बेटा, एक बार शेयर कर दो और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलो अब देखिए, बहुत ही शानदार कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, उससे आपके पूर्ण रूप से एक बार समझ में आ जाएगा, किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये एक गांव है और गांव का नाम क्या है, उड़ू काश्मीर। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुजी ने ये नाम जो लिखा है गांव का, ये किस कारण लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि रामदेव जी की ये क्या थी, जन्मभूमि। ठीक है गुरु जी, यहां उड़ू काश्मीर जो गांव है इसके पास में, ये उड़ू काश्मीर गांव आपको पता है कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में। इसके पास में ही जस्ट थोड़ी सी दूर यानी सीमा को क्रॉस करते ही एक गांव और पड़ता है और जिसका नाम है सातलमेर। क्या नाम है, सातलमेर। सातलमेर जो गांव है, इस सातलमेर की स्थापना किसने की थी, आपको पता होगा राव जोधा जो है उनके पुत्र थे। राव जोधा के पुत्र कौन थे, सातलदेव। और सातलदेव ने स्थापना की थी किसकी, सातलमेर की। ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है जैसलमेर में। गुरुजी ये आपने दो गांव बता दिए लेकिन कुछ अभी तक बताया नहीं, तो वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो क्या होता है कि यहां पर इनका जन्म होता है, किनका, रामदेव जी का। और जन्म के बाद यहां पर पास में ही गांव था सातलमेर, और इस सातलमेर में एक बहुत ही भयंकर अत्याचार वाली घटना घटित हो रही थी। और वो क्या थी कि यहां पर एक भैरव नाम का राक्षस था। क्या नाम था राक्षस का, भैरव। तो ये जो भैरव राक्षस था, इस भैरव राक्षस की अगर अपन बात करें, कप्तान सिंह प्रणाम, प्रणाम बेटा शेयर करो जल्दी से, है ना। भैरव राक्षस जो था, इस भैरव राक्षस की अगर अपन बात करें तो ये भैरव राक्षस प्रत्येक अमावस्या को, किसको, प्रत्येक अमावस्या को, अमावस्या को क्या करता था, एक जीवित व्यक्ति को उठाकर ले जाता और उसे मार देता। अब जीवित व्यक्ति को जब उठाकर ले जाएगा, सपोज डेट आपका गांव है और गांव में कोई राक्षस आ गया और वो राक्षस क्या कर रहा है, प्रत्येक अमावस्या को एक व्यक्ति को ले जा रहा है, इसका दुख तो आपको होगा ही। हो सकता है हमारा कब नंबर आ जाए, नंबर तो एक ना एक दिन आना है इस प्रकार से, यदि उसका नाश नहीं होगा। तब क्या होता है कि आपको पता है कि रामदेव जी किसके अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, यानी कृष्ण के अवतार थे। तब इन्होंने क्या किया, बाल्य अवस्था में यहां पर आए और इस भैरव राक्षस का क्या कर दिया, इन्होंने वध कर दिया। क्या कर दिया, बद। बद का मतलब इसे मार दिया। ये जब घटना घटित हुई कि जो भगवान रामदेव जी थे, इन रामदेव जी ने यहां पर भैरव राक्षस का क्या कर दिया, बद कर दिया, तो इनसे कहा गया कि भाई आपको यहीं पर रहना है। तब उन्होंने क्या किया, इस सातलमेर को पोकरण में परिवर्तित कर दिया और यहां पर रहने लगे। पोकरण में रहने लगे, किस किस के साथ रहने लगे, तीन व्यक्ति थे, एक स्वयं रामदेव जी, दूसरी इनकी पत्नी नेतलदे और एक इनकी बहन थी जिसका नाम था सुगनाबाई। ठीक है, तीन व्यक्ति यहां पर रहने लगे। कौन कौन से रहने लगे, एक थी रामदेव जी, दूसरे नेतलदे और तीसरे सुगनाबाई। ये कहां पर रहने लगे, सातलमेर में, यानी कह सकता हूं सातलमेर को ही परिवर्तित करके पोकरण में, और यहां पर ये क्या करने लगे, रहने लगे। अब आपको पता है कि बहन चाहे किसी की भी हो, धीरे धीरे वो बढ़ती है तो उसकी शादी की भी टेंशन होती है परिवार वालों की। तो इनकी जो बहन है कौन सी, सुगनाबाई, ये धीरे धीरे बड़ी हुई और बढ़ने के बाद क्या हुआ, इनको इस एक टेंशन यानी एक प्रॉब्लम ये सताने लगी कि भाई किस प्रकार से हमारी जो सिस्टर है उसको अपन को शादी करनी चाहिए। तो क्या किया इन्होंने, यहीं पर पास में एक स्थान था और उस स्थान का नाम था पुंगलगढ़। पुंगलगढ़, और पुंगलगढ़ कहां पर पड़ता है, ये बीकानेर में। बीकानेर में ये स्थान था पुंगलगढ़, और पुंगलगढ़ बीकानेर में पड़ता है। और बीकानेर में जो पुंगलगढ़ है, यहां पर एक जागीरदार था और जिसका नाम था विजय सिंह।
जागीरदार का नाम क्या था? विजय सिंह। और विजय सिंह नामक जो जागीरदार था उसके साथ अपनी बहन के विवाह की क्या कर लेता है, ये बात कर लेता है। यानी अपना जो अपनी जो बहन है उस बहन की विवाह की तैयारियों में लग जाता है। किसके साथ? विजय सिंह के साथ, कुंगलगढ़ के जागीरदार के साथ। अब देखते हैं क्या होता है कि जब इनकी बहन की बात चलती है तो इनकी बहन रोने लग जाती है, और रोने लग जाती है तो वो क्या कहती है कि भैया मैं शादी तो कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, शादी तो मैं कर लूंगी, यदि आप विजय सिंह के साथ मेरी शादी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कर दो, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मैं पोकरण छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्या कहा? कि मैं ये जो पोकरण है यहां पर अपन निवास कर रहे हैं इस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब आपको पता है कि इन्होंने विवाह कर दिया किसके साथ? विजय सिंह के साथ। बहन की एक जिद थी कि वो यहां से क्या करने नहीं करेगी, छोड़कर नहीं जाएगी पोकरण को। तब इन्होंने क्या किया, ये जो पोकरण है रामदेव जी ने दान में दे दिया किसको? विजय सिंह को। विजय सिंह को दान में दिया पोकरण, और पोकरण जब दान में दे दिया तो आपको पता है कि कोई भी भाई अपनी बहन के घर पर पानी भी नहीं पी सकता, खाना भी नहीं खा सकता। तो उस कारण क्या हुआ कि जो रामदेव जी है उन्होंने पोकरण को त्याग दिया, और त्यागने के बाद मेरे प्यारे मित्रों कहां पर पहुंच गया वो? रूणीचा। कहां पर पहुंचा? रूणीचा। गुरु जी रूणीचा कहां पर है? तो ये रूणीचा है भाई साहब कहां पर? जैसलमेर में। ठीक है गुरु जी, जैसलमेर में पहुंच गया, पहुंच गया। तब इन्होंने क्या कहा था, यहां पर ये पोकरण दिया था, जा जाके कहां मिन्नते फरियाद करोगे, ये पोकरण तुम्हें दिया बहन क्या याद करोगे। तो इन्होंने इस पोकरण को किसको दे दिया दान में? विजय सिंह को। और विजय सिंह को जब दान में दे दिया तो ये पोकरण छोड़कर कहां पर आ गए? रूणीचा। कहते हैं रूणीचा के अंतर्गत इन्होंने प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश नहीं किया उससे पूर्व भी क्या हुआ, यहां पर एक वृक्ष, और उस वृक्ष के नीचे रामदेव बाबा क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम जब कर रहे थे तो इनको जैसे ही इनकी आंख लगी, आंख लगने के बाद इनको क्या हुआ, आभास हुआ कि कोई यहां पर रो रहा है, इस पेड़ के आसपास क्या कर रहा है? रोदन कर रहा है, यानी रो रहा है। तो रोने की जब आवाज आई तो इन्होंने देखी, देखा तो देखने के बाद यहां पर एक छोटी बच्ची थी, और वो बच्ची क्या है यहां पर बैठकर रो रही थी। तब रामदेव बाबा ने क्या किया, उस बच्ची से पूछा कि आप ये बताइए आपके रोने का कारण क्या है, भाई आप किस कारण से यहां पर रोदन कर रहे हो। तब इन्होंने बताया कि बाबा बात ऐसी है कि मैं मेघवाल जाति से हूं। कैसी जाति से हूं? मेघवाल जाति से, यानी निम्न जाति की हूं मैं, और निम्न जाति की होने के कारण मेरे गांव के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि मेरा अनादर करते हैं, मुझसे अनर्गल बातें करते हैं, हमें रहने नहीं देते हैं, हमें तुच्छ बातों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं इस चीज से क्या हूं? परेशान हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो ये लेडीज थी, ये स्त्री थी, जो ये बच्ची मिली थी, इसका नाम क्या था? डालीबाई था। और ये डालीबाई जो है इसको ये अपनी मुंह बोली बहन बना लेते हैं, कौन? रामदेव बाबा। तो ध्यान रखना है डालीबाई इनको कहाँ मिलती है, रूणीचा में जब जाते हैं उससे पहले एक पेड़ के नीचे मिलती है, और वो अपने कारण बताती है। कारण ये बताती है कि जो डालीबाई बताती है कि मैं मेघवाल जाति की हूँ, निम्न जाति की हूँ, और निम्न जाति के होने के कारण मेरा यहाँ पर अपमान होता है, निरादर होता है, इसलिए क्या होता है कि मेरे को यहाँ पर सही तरीके से जीने नहीं देते लोग। तो ये बात जब सुनते हैं तब रामदेव बाबा क्या करते हैं, अभी मित्रों आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि यहां तक की बात आपके समझ में आई क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए। विजेंद्र गुड इवनिंग बेटा, जितेंद्र चौधरी हाय, बहुत बढ़िया, एक बार और शेयर कर दीजिए। विक्रांत सिंह, करण सिंह हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, शेयर कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं यहां तक की बात समझ में आई क्या, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अभी जो मुख्य चीज है, ओके ठीक है चलो। अब देख यहां पर डौलीबाई मिली, और मिलने के बाद रूणीचा में ये क्या करते हैं, यहां पर रूणीचा में देखो, रूणीचा में आप देखना यहां पर क्या होता है कि जब रामदेव जी बाबा अंदर रूणीचा में जाते हैं और वहां पर कांवड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। किसकी करते हैं? कांवड़िया पंथ। और कांवड़िया पंथ की स्थापना किस प्रकार क्यों करते हैं, कारण क्या था उसका? आपको पता है डालीबाई उनको मिली, उन्होंने बताया कारण कि भाई निम्न जाति का होने के कारण मेरा अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, तो इन बातों से परेशान होकर क्या किया,
विजेंद्र का कमेंट आया, अभी तो लाइव आया हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। चलो, कांवड़िया पंथ की स्थापना की, और कांवड़िया पंथ की जो स्थापना की उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें इसमें रामदेव जी ने छुआछूत एवं निम्न जाति के लोगों एक सम्मान पूर्वक स्थान समाज में दिलाया, ठीक है। ध्यान रखना, रामदेव जी बाबा ने क्या किया था, उन्होंने ये बताया था कि इसमें जो छुआछूत जो लोग हैं, यानी निम्न जाति के जो लोग हैं, उन निम्न जाति के लोगों को एक सम्मानजनक समाज में क्या दिलाया, स्थान दिलाया, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, कांवड़िया पंथ की स्थापना की। अब देखिए, रामदेव बाबा जी जो हैं, इनकी एक भक्त थी, इनकी जो शिष्य थी उनका नाम था आई माता। आई माता जब मैं बताऊंगा, लोक देवी पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, आई माता ने भी किस पंथ की स्थापना की थी, आई पंथ की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आई पंथ की स्थापना किसने की थी, आई माता ने, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कांवड़िया पंथ की जो स्त्रियां होती थी, क्या होती थी, स्त्रियां। तो ध्यान रखना, कांवड़िया पंथ की स्त्रियां ये क्या करती थी, अपने शरीर पर 13 मंजीरे, अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधती थी और 13 प्रकार की कलाएं दिखाती, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे कहा जाता 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। यानी आपको ध्यान रखना है कि कांवड़िया पंथ की जो स्थापना की थी रामदेव बाबा ने, उस कांवड़िया पंथ के अंतर्गत क्या आता है, इसमें जो स्त्रियां है वो 13 प्रकार के मजीरे बांधती है, यानी 13 मजीरे अपने शरीर पर बांधती है, और 13 मजीरे बांधकर ये क्या करती है, 13 प्रकार की कलाएं दिखाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, 13 ताली नृत्य कहते हैं। यानी ध्यान रखना, कांवड़िया पंथ की स्त्रियां क्या करती है, 13 ताली नृत्य करती है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, बट वीडियो डाउनलोड होने पर देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, अब देखिए, यहीं पर इन्होंने एक आंदोलन और चलाया था, और उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। ये किसने चलाया था, रामदेव बाबा ने चलाया था। कौन सा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। क्यों चलाया था, देखिए, ये शुद्धि आंदोलन चलाया था कि हिंदू बने मुसलमान, हिंदू बने मुसलमानों को वापस हिंदू बनाया, हिंदू बनाया। आपको पता है कि आजकल क्या है, सिस्टम ऐसा चल रहा है कि भाई कोई लड़की है, वो लड़की पसंद आ जाती है अदर कास्ट की, और अदर कास्ट की लड़की जब पसंद आ जाती है, मान लो सपोज दैट मुस्लिम धर्म की कोई लड़की है पसंद आ गई, या हिंदू धर्म की कोई लड़की है पसंद आ गई, तो उसमें क्या होता है कि दोनों लड़का और लड़की का कास्ट, दोनों की जो धर्म है वो धर्म अलग होते हैं, तब क्या करते हैं वो एक दूसरे के धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं, या तो लड़की लड़के का धर्म अपना लेती है, या लड़का लड़की का धर्म अपना लेती है लेता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब धर्म अपना लेता है तो आसानी से क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, ब्याह हो जाते हैं उनके, अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो वो बात होती है किसके लिए, अपने खुद के निजी जीवन को चलाने के लिए। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हिंदू बने मुसलमान, यहां पर जो हिंदू लोग थे वो पहले क्या बन चुके थे, मुसलमान धर्म को अपना लिया था उन्होंने, यानी मुसलमान धर्म में वो चले गए थे, इसलिए यहां पर शुद्धि आंदोलन चलाया रामदेव जी ने, और उन्हें वापस क्या बना दिया, हिंदू बना दिया। उनको समझाया कि भाई इस प्रकार से धर्म चेंज परिवर्तित करने से कुछ नहीं होने वाला,
इसलिए आपको वापस अपने धर्म को ही अपनाना है और उसमें ही आपको निजी जिंदगी अपनी जीनी है। तो ये जब शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने बताई बात, तो इसके उपलक्ष्य में यहां पर मेला भरता है रूणीचा में। और रूणीचा में जो मेला भरता है वो कब भरता है आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म दिवस था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होता है, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये प्रारंभ होता है और ये चलता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, यानी कि 10 दिन का इनका क्या चलता है, मेला चलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये किसके उपलक्ष्य में चलती है, शुद्धि आंदोलन के उपलक्ष्य में चलती है। दूसरा आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं तो मुसलमानों की बात करें तो यहां पर मुसलमान जो रामदेव जी को किस नाम से संबोधित करते हैं, वो नाम है रामसा पीर, ठीक है। इधर अगर हिंदू धर्म की बात करें तो रूणीचारो धणी। इधर अगर अपन बात करें अदर की तो लीले घोड़े वाले बाबा। क्यों लीले घोड़े वाले बाबा, क्योंकि इनका जो घोड़ा था वो घोड़ा कैसा था, नीले कलर का था। नीला पहले नहीं कहा जाता था, लीले कहा जाता था, इसलिए आपको ध्यान रखना है लीले घोड़े वाले बाबा भी इन्हें कहा जाता है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए यहां तक की बात समझ में आई क्या। अरे बेटी का बाप, कमेंट तो कर दिया करो, जल्दी से करो भाई कमेंट करो, यहां तक की बात समझ में आई क्या। नमस्कार शिव सिंह जी, जल्दी कमेंट कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस सरलेख कोठारी, धन्यवाद। चलो अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक तो घोड़ा और दूसरा भक्त। घोड़ा और भक्त, घोड़ा इनका कैसा था, लीले कलर का था, यानी लीले रंग का था, ठीक है। भक्त इनके कौन थे, एक तो था रत्ना राय का, मुख्य जो भक्त है उनके बारे में बता रहा हूं, एक तो था रत्ना राय का, दूसरा जो है वो है हरिवाटी ओसिया, और एक है लक्की बंजारा। ये तीन इसके मुख्य भक्त थे, किसके, बाबा रामदेव के। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इनके घोड़े का रंग क्या था, लीले का रंग का था, और भक्त इनके कौन कौन से थे, रत्ना राय का, हरिवाटी ओसिया और लक्की बंजारा। कहते हैं कि जो हरिवाटी ओसिया है, सबसे पहले इनको रामदेव जी का क्या मिला था, एक पत्र मिला था, एक कागज मिला था, और उस कागज में क्या था, इनके चमत्कारों की घटनाएं लिखित थी, ठीक है, लिखित का मतलब लिखी हुई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि इनके जो मुख्य भक्त हैं वो मुख्य भक्त कौन से थे, एक तो रत्ना राय का है, हरिवाटी ओसिया है, लक्की बंजारा है, और ये लक्की बंजारा जो है इनको सर्वप्रथम क्या है, एक चमत्कारी घटनाएं मिलती है, यानी चमत्कारी घटनाओं का एक कागज मिलता है, एक पत्र मिलता है। कहते हैं ना कि आपने देखा होगा, सर जी लीलन किसका नाम था, लीलन सिंगारे घोड़ी किसका नाम था, बेटा ये लीलन जो है ये अपने एक लोक देवता है, और लोक देवता का नाम क्या है, हडबू जी, पाबू जी का जो था केसर कालमी था, ठीक है। तो जैसे ही अपन बताएंगे इनको भी बताएंगे, ठीक है। देखिए अब देखो, रत्ना राय का, हरिवाटी ओसिया, लक्की बंजारा, और पत्र जो मिला था किसको मिला था, हरिवाटी ओसिया को मिला था। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो रामदेव जी थे, इन रामदेव जी से संबंधित मंदिर कहां कहां पर स्थित है, रामदेव जी से संबंधित जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर स्थित है, उनके बारे में आपको मुख्य रूप से समझना है, क्योंकि जो मुख्यतः क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो मुख्यतः क्वेश्चन इसी से ही पूछा जाता है, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर।
तो रामदेव जी का एक मंदिर है रूणीचा में। रूणीचा कहां पर है? जैसलमेर में। तो आप यहां पर यह भी कह सकते हो कि भारत का सबसे बड़ा देवरा, देवरा किसे कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को थान या देवरा कहा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा जो देवरा है वो कहां पर है? रूणीचा में है, जैसलमेर में है। किसका है? रामदेव बाबा का मंदिर है। इसके बाद जो दूसरा है वो दूसरा आपको ध्यान रखना है, मंसूरिया की पहाड़ियां। गुरुजी ये कहां पर है? ये है बेटा जोधपुर। यहां पर मंसूरिया की पहाड़ी में जो समाधि है वो योगी बालीनाथ की है, जो इनके गुरु थे। और योगी बालीनाथ की जो समाधि है उसके जस्ट पास में ही किसका मंदिर बना हुआ है? रामदेव जी बाबा का, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है तीसरा, खुंडियास अजमेर, ठीक है। खुंडियास अजमेर में जो है उसे बोला जाता है छोटा रामदेवरा, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है एक है बैराठिया, और बैराठिया जो है ये कहां पर है? पाली में। यहां भी रामदेव जी का मंदिर स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो पांचवा जो है ये पांचवा है सुरता खेड़ा, और सुरता खेड़ा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। यहां भी बाबा रामदेव जी का मंदिर स्थित है। और अब बात करते हैं अपन भारत के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत जो इनका मंदिर है वो कहां पर है? छठवां गुजरात। और इसे भी क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा कहा जाता है। किसके अंतर्गत? भारत के अनुरूप, ठीक है। तो भारत के अनुरूप जो छोटा रामदेवरा है वो कहां पर है? गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से इनके ये छह मंदिर प्रमुख हैं रामदेव जी के। आपको ध्यान रखना है पहला मंदिर है रूणीचा में, जो कहां पर है? जैसलमेर में। भारत का सबसे बड़ा अपन मंदिर भी कह सकते हैं, देवरा भी कह सकते हैं। दूसरा मंसूरिया की पहाड़ियां, जो कहां पर स्थित है? जोधपुर में। तीसरा खुंडियास अजमेर, जिसे क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इसके बाद बैराठिया है, ये पाली में है, और सुरता खेड़ा जो है ये चित्तौड़गढ़ में है, और गुजरात में जो मंदिर इनका स्थित है उसे क्या कहा जाता है? उसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इस प्रकार से ये छह प्रमुख मंदिर हैं रामदेव जी के। तो जल्दी से बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब देखो, इनसे संबंधित कुछ ऐसी बातें जो मुख्य रूप से पूछी जाती है। देखिए कौन सी है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? ये मुख्य मंदिर है बेटा रूणीचा में। कहां पर स्थित है? रूणीचा। देखिए यहां पर जो इनकी पूजा की जाती है वो पूजा किसकी की जाती है? इनके पैरों की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? पैरों की, पगों की, जिसे क्या कहते हैं? पगल्या, ठीक है। पगल्या शब्द किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो पगल्याओं की जो पूजा की जाती है वो रामदेव जी के पगल्याओं की पूजा जाती है। यानी इनके मंदिर में जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? आदित्य धनवाल, नमस्कार बेटा। देखिए पगल्या जो है इनके पैरों की पूजा करने के कारण इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह यानी पद चिन्ह अपन कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है इनके पांच रंग की एक ध्वजा होती है। ये पांच रंग की ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हरिवाटी ओसिया, ये हरिवाटी ओसिया जो इनका भक्त था, इन्हें जो पत्र मिला था, जो कागज मिला था, उसे क्या कहा जाता है? पर्चा। यानी
उस पर्चा में जो घटना होती है उनको पढ़कर कहा जाता है कि आप 120 पर्चे बांट दोगे तो आपका ये भला हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, डिमका हो जाएगा, इस प्रकार से पर्चा जो मिलता है वो बांटे जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्चा। ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये रामदेव जी बाबा का मुख्य मंदिर है रूणीचा में, ठीक है, रूणीचा में जो मुख्य मंदिर है वो रामदेव जी का यही है, आप अभी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो इसके बारे में यहां पर मैं कथित रूप से बात कर रहा हूं आपसे। देखिए तो यहां पर हल्का छोटा करके रखो, देखो यहां पर क्या है, देखिए कि रूणीचा के बारे में अगर अपन पढ़े यहां पर, तो पगल्या पदचिन्ह नेजा पांच रंग की ध्वजा, पांच रंग की ध्वजा, ठीक है, इनके जो कागज बांटे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। अब देखिए रात्रि में यहां पर जागरण होता है उसे क्या कहा जाता है? जम्मा। तो जम्मा को क्या कहा जाता है? रात्रि जागरण। यानी कि इनका जो मेला भरता है उस मेला भरने के कुछ समय पूर्व ही यहां पर भजन संध्याएं होने लग जाती है, और भजन संध्याएं जब होती है तो भजन संध्या को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। इसके बाद इनके जो भक्त होते हैं उनको बोला जाता है जात्रु। क्या बोला जाता है? जात्रु। जात्री कहते हैं ना, बोले जात्री आ रहे हैं, है ना, तो जात्री इनको क्या कहा जाता है? इनके भक्त को जात्रु। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है इनका जो मंदिर होता है उस मंदिर को क्या कहा जाता है? थान या देवरा, ठीक है, थान या देवरा कहा जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक शब्द आपको मिलेगा रीखिया। रीखिया गुरुजी, रीखिया क्या होता है? तो रीखिया बेटा क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त। यानी ध्यान रखना है मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? रीखिया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक होता है, एक शब्द आपको मिलेगा भाम्बी। गुरुजी भाम्बी क्या होता है? तो भाम्बी जो होता है इस मंदिर के अंतर्गत जो पूजा करता है उस पुजारी को क्या कहा जाता है? भाम्बी कहा जाता है। इसके बाद एक शब्द और मिलेगा आपको, और वो मिलेगा ब्यावले, और ब्यावले को कहा जाता है भजन। यानी भजन जो गाए जाते हैं उन भजनों को क्या कहते हैं? ब्यावले। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अभी आपको पता है रीट की एग्जाम है, उस रीट की एग्जाम, पटवार की एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोक देवता लोक देवियों में से, तो ये समझाने के रूप में आपको मैंने बताया है। अभी मैं इनको एक संदर्भ रूप में लिख देता हूं, एकत्रित रूप में लिख देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए सबसे पहले पर्चा। पर्चा क्या होता है? रामदेव जी की चमत्कारिक घटनाएं, घटनाएं, ठीक है। इसके बाद आता है नेजा। नेजा यानी पांच रंग की ध्वजा, ठीक है। इसके बाद आता है पगल्या। पगल्या मतलब पदचिन्ह, पदचिन्ह जिनकी मंदिरों में पूजा की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके जात्रु। जात्रु मतलब रामदेव जी के भक्त, ठीक है। इसके बाद आता है थान या देवरा, इसे कहते हैं मंदिर। यानी रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसे क्या कहा जाता है? थान या देवरा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था जम्मा, ठीक है। जम्मा क्या होता है? रात्रि जागरण, रात्रि जागरण, ठीक है। एक होता है रीखिया, और रीखिया जो है ये मेघवाल जाति के भक्त, जाति के भक्त, ठीक है। इसके बाद आता है भाम्बी, और इसके बाद आता है ब्यावले, ठीक है। भाम्बी जो है इस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को कहा जाता है, और ब्यावले जो भजन गाए जाते हैं रामदेव जी के उनको क्या क्या कहा जाता है? ब्यावले। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं,
इनको जानना आपके लिए अनिवार्य है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि पगला किसे कहा जाता है, किससे संबंधित है, नेजा किससे संबंध रखता है, कौन से लोग देवता से संबंध रखता है। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक की बात समझ में आई क्या? कमेंट लगातार चलते रहने चाहिए भाई, जब मैं कहता हूं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जल्दी से मुझे बताएं यहां तक की बात समझ में आई क्या, जल्दी कर दो कमेंट। चलो भाई, अब मुझे यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, यदि आप पे आंसर आता है तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज मेरे को बताना ही है। तो आपको बताना है कि रामदेव बाबा जो हैं, कौन है रामदेव बाबा, इनका यदि अपन बात करें, देखिए अभी स्क्रीन पर आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ये रामदेव बाबा का ही मंदिर है। तो देखिए रामदेव बाबा के बारे में अगर अपन बात करें तो इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, ग्रंथ, और ग्रंथ जो लिखा गया था उस ग्रंथ का नाम जल्दी से कमेंट कीजिए। हरकेश मीणा धन्यवाद, हरकेश सिंह सॉरी धन्यवाद, सरले कोठारी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे रामदेव बाबा के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उस ग्रंथ का नाम। नहीं आता है तो यस और नो में आपका जवाब मिलना चाहिए। विजेंद्र कुमार धन्यवाद भाई। देखो ग्रंथ का नाम था 24 वाणियां, ये पिछली एग्जाम में पूछा गया था पटवारकी में, और रीट की एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से 24 वाणियां ग्रंथ किस लोक देवता के द्वारा रचित है या किस लोक देवता के द्वारा लिखा गया है। तब आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो ग्रंथ कौन सा है, 24 वाणियां। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला इसका ध्यान रखना है आपको कि इनकी जो फड़ पढ़ी जाती है, फड़ क्या होता है, पहले सबसे पहले ये समझिएगा कि फड़ होता क्या है। तो फड़ के बारे में यदि आपको ध्यान रखना है कि एक कपड़े का ही टुकड़ा होता है, और कपड़े के टुकड़े में क्या होता है कि जो जिस लोक देवता का की फड़ बनाते हैं उसी लोक देवता के इसमें क्या होते हैं, चित्र अंकित होते हैं, चित्र अंकित होते हैं। यानी फड़ की बात करें तो फड़ क्या है, एक कपड़े का टुकड़ा होता है, लेकिन उसी में क्या करते हैं कि जिस लोक देवता पर चढ़ाई जाती है या जिस लोक देवता की गाय जाती है उसके क्या होते हैं, उसमें चित्र अंकित होते हैं। तो ये फड़ जो है, इस फड़ को कौन पढ़ता है, यहां पर इनके मंदिर में जो फड़ पढ़ता है वो होते हैं कांवड़िया पंथ के बोपा, कांवड़िया पंथ के बोपाओं के द्वारा, बोपाओं के द्वारा, ठीक है गुरुजी, कांवड़िया पंथ के बोपाओं के द्वारा फड़ पढ़ी जाती है। लेकिन जब इनकी फड़ पढ़ी जाती है उस वक्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। इनकी जो फड़ है, रामदेव बाबा की फड़ पढ़ी जाती है कांवड़िया पंथ के बोपाओं के द्वारा, तो कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वाद्य यंत्र है, लेकिन कौन सा है जल्दी से बताइए एक बार, कमेंट कीजिए। विजेंद्र जी मैं आपको बता दूं, यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है कांवड़िया पंथ के जो भोपा है उनके द्वारा जब फड़ पड़ी जाती है उस वक्त जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है रावण हत्ता, रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र को बजाकर क्या किया जाता है, इनकी फड़ को बांचा जाता है। बांचा जाने का मतलब गाया जाता है, अलगोजा, अलगोजा नहीं है बेटा सुभाष कटारिया, सॉरी बेटा अलगोजा नहीं है, यहां पर जो है वो है रावण हत्ता, ध्यान रखना रावण हत्ता। ये हड़बूजी की फटपटी जाती है तब भी इसको बजाया जाता है रावण हत्ता को, ठीक है। उस भाग जो भजन गाए जाते हैं उनको प्यावले कहा जाता है, यहां पर जो भजन गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है, ठीक है।
तो ध्यान रखना है, अभी जल्दी आपको पट देखने को मिलेगी, यहां पर स्क्रीन पर देखना आप, नौबत, नौबत नहीं है बेटा, नौबत अलग होता है, नौबत बजाते हैं वो जैसे गांव में गीत होते हैं, लोकगीत जो होते हैं उनमें नौबत बजाए जाते हैं, ठीक है। रावण हत्ता होता है, मैं आपको बता देता हूं रावण हत्ता क्या होता है। हत्ता का मतलब हाथ में रखकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, रावण हत्ता जैसे अपने गिटार होते हैं, गिटार तो हाँ गिटार होती है, उसी प्रकार से होता है। अभी देखिए ये फट का चित्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस प्रकार से ये कपड़े का एक टुकड़ा होता है, और कपड़े का टुकड़ा होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो चित्र है वो चित्र उसी से संबंधित अंकित होंगे। यहां पर आपको दिख रही होगी इस जगह पर, यहां पर देखिएगा आपको, तो यहां पर जो फट दिखाई दे रही है, इस फट में इसमें अंकित किए जाते हैं, इससे संबंधित ही अंकित किए जाते हैं चित्र। अब चित्र देखिए, इसमें चित्र काफी सारे अंकित हैं, ये चित्र उसी देवता से संबंधित अंकित किए जाते हैं जिन देवता की फट यहां पर बनाई जाती है, ये फट बनाई जाती है और इसमें चित्र अंकित किए जाते हैं, यही फट बांची जाती है बाद में। यानी बांचने का मतलब ये होता है, बांचना गुरुजी, बांचना तो ये होता है कि किताब उठा ली और उसको पढ़ने लग गए, बांचने लग गए, ऐसा नहीं है। बांचने का मतलब ये होता है जब इस फट को छड़ाया जाता है तो उस फट को छड़ाते समय कुछ भजन संध्या की जाती है, कुछ भजन गाए जाते हैं, उसको कहते हैं फट वाचना, ठीक है। तो फट वाचना जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, कांवड़िया पंथ के भोपाओं के द्वारा, और कौन सा वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अभी रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है उसका भी चित्र आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पर, तो उससे क्या है कि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा उसमें। बच्चे ये देखिए, ये इस प्रकार से रावण हत्या होता है, इसमें क्या है कि इसको कंधे पर रखकर और हाथ से पकड़ा जाता है, और हाथ से पकड़ने के बाद ये जो तीर की जैसा आकृति का है इससे बजाया जाता है, और बजाने के बाद भजन गाए जाते हैं, और भजन गाने के साथ साथ ही ये फट क्या है, रामदेव बाबा के जो पद चिन्ह है उन पद चिन्हों पर छिड़ाई जाती है, इसी को कहते हैं फट वाचना। तो उम्मीद करता हूं आपके चित्र को देखकर समझ में आ गया होगा कि रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का होता है। और यहां तक जो मैंने जानकारी दी है, आज अपना रामदेव बाबा है ये कंप्लीट हो चुका है, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको यहां पर मैंने दे दी है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दे सभी बच्चे कि ये जो रामदेव बाबा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, समझ में आई क्या, जल्दी से कमेंट करें। कमेंट फास्ट भाई। देखो इस प्रकार से ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यहां पर ये रावण हत्ता जो ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इन्होंने यहां पर, धन्यवाद कोठारी जी, ये देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने यहाँ पर ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो पकड़ रखा है और उसको बजा रहे हैं, बजाते हुए उनका चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बजाया जाता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जब मैंने आपको बताया था कि पुंगलगढ़ ये आप नोट डाल के, आपने जो नोट्स हैं तैयार कर रहे हो यदि तो उसमें आप डाल लेना, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत या समस्या ना हो। देखिए ये जो पुंगलगढ़ है, इस पुंगलगढ़ की अगर अपन बात करें तो आपको पता होगा कि महाराणा कुंभा का नाम सुनना होगा आपने, महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि ये महाराणा कुंभा जो है चित्तौड़गढ़ के आधुनिक निर्माता। तो महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, इस रमाबाई का विवाह भी कहां पर किया गया था, पुंगलगढ़ में। और यहीं पर रामदेव की बहन कौन थी, सुगनाबाई, और सुगनाबाई का विवाह भी यहां पर किया, कहां पर किया गया था, पुंगलगढ़ में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, उसका विवाह भी पुंगलगढ़ में किया गया था, और सुगनाबाई जो है रामदेव बाबा की जो पुत्री बहन है उसका विवाह भी कहां पर किया गया था, पुंगलगढ़ में। पुंगलगढ़ पड़ता कहां पर है, बीकानेर में। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अपन मिलते हैं कल शाम को अगले लोक देवता के साथ। धन्यवाद।